हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SS फैक्ट जानकारी में। दोस्तों आज हम 5 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोग को पता होती है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें होती हैं लेकिन एक की नहीं होती हैं, और वो राजा होता है किंग ऑफ हर्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछ होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को डिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग्स ऑफ हर्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से 3 राजाओं की मूछें होती है। फैक्ट नंबर 2, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची-ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रा करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। फैक्ट नंबर 3, फोटो खींचते समय से चेज कहने का प्रचलन ताकि हमारी स्माइल पीस आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले विक्टोरियन इरा में लोग फोटो खींचते समय से पर्जनेस कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजा की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइल फेस देखने को नहीं मिलती है। फैक्ट नंबर 4, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद ये आप नहीं जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोर्ट्स के रेडियो एक्टिव की वजह से उन्हें एपोलास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव रहें और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल के इमेज शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए जारी हो गई। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।